हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी ठेकुआ। ठेकुआ बिहार की डिश है। ये आधा किलो आटा है, 250 ग्राम गुड़ मैंने लिया है, आधा कटोरी मोहन के लिए लिया है रिफाइंड ऑयल, और 1 गिलास हम पानी लेंगे। तो गुड़ का हम पानी बनाएंगे। गुड़ को हम इस तरह फोड़ लेंगे और पानी में डाल देंगे। गुड़ का हम पानी बना लेंगे। जब ये गुड़ पिघल जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके हम इसी से आटा गूंथेंगे। गुड़ हमारा घुल गया है, अब गैस को बंद कर देंगे, पानी को ठंडा होने देंगे। ये पानी हमारा ठंडा हो गया है। अब हम आटा गूंदेंगे। ये ऑयल डाल रही हूं मैं इसमें, इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे। अरे मोहन मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मोहन और डालेंगे इसमें। थोड़ा मोहन और लिया है मैंने। अब हमारा लड्डू बनने लग गया है, तो हमारी आटा तैयार हो गया है। अब इसको हम गूंथेंगे। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी मैं इसमें। इसमें आप नारियल पाउडर भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ये। ना ज्यादा पतला करेंगे ना ज्यादा टाइट करेंगे, मीडियम गूंदेंगे। ये ठेकुआ का आटा हमारा तैयार हो गया है। अब 10 मिनट के लिए मैं इसे रख दूंगी ऐसे ही, फिर इसके हम ठेकुआ बनाएंगे। फिर इसको कवर करके रख दूंगी। दस मिनट हो गए हैं, आटे को मैं चेक कर लेती हूँ। ऑयल मैंने चढ़ा दिया कढ़ाई में। आटे की हम लोई बना लेंगे, इतनी बड़ी बड़ी लोई हम बना लेंगे इसकी। आप इसे सांचे से भी बना सकते हो, पर मैं ऐसे ही बना रही हूं बिना सांचे के।
लोई मैंने बना ली है, गैस को मीडियम कर देंगे और इसको हम बेल लेंगे। फॉर्क की सहायता से हम इसको ऐसे कर लेंगे बीच में, या इस तरह हम डिजाइन बना लेंगे इस पे। इस तरह हमने डिजाइन बना लिया इस पे। सारे थेक पे मैं इसी तरह बना लूंगी। मीडियम आंच पे इसे सेकेंगे। धीरे धीरे इसको पलट देंगे। ठंडे होने पर ही खस्ता हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ठेक में मेरे बन चुके हैं, ये अंदर से बहुत खस्ता है और ठंडे होने पे और ज्यादा खस्ता हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप भी बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।